हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज हम पहुंच गए हैं 40वें दिन के सेशन पे, यानी 40th डे के सेशन पे। और आज का जो सेशन है वो प्रैक्टिस का है, यानी आज सिर्फ हम टेस्ट्स करेंगे और हम जानेंगे कि हमने जो पिछले दिनों जो भी हमने सीखा, यानी हमने जो 31 से 35 दिन में जो हमने सीखा, आज बेसिकली उसका रिविजन है और हमने क्या क्या सीखा है आज हम उसको देखेंगे। जहाँ पे आपको कुछ टेस्ट दिए गए हैं, टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो यहाँ पे आपको टोटल 9 टेस्ट दिए गए हैं आज, जो आपको करने हैं और कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो लेकिन उससे पहले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पहले है टेस्ट नंबर 1। तो इसमें आप क्या करोगे, 20 वाक्यों के 20 अंक है, यानी टोटल आपको 20 सेंटेंसेस दिए गए हैं हर एक टेस्ट में। तो एक एक वाक्य का एक अंक है, यानी 20 का 20 अंक है। तो आपके अगर 16 या 16 से अधिक आते हैं तो आप अति उत्तम यानी वेरी गुड के कंडीशन में हो, और अगर आपके 12 या उससे अधिक वाक्य ठीक होते हैं तो आप फेयर हो। तो ये आपको अपने आप में एनालाइज करना है। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें कोई ऐसी अशुद्धि है जिसे बोलने या लिखने की लोग प्रायः गलती करते हैं, आप इन्हें शुद्ध कीजिए, फिर 31 से 35 दिनों के वाक्यों से मिलाकर देखिए और समझिए कि इनमें पीछे नियम क्या है। विषय संख्या और वाक्य संख्याएं वाक्यों के साथ दी गई है। अब आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कि सही नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ गलतियां हैं, तो गलती आपको पकड़नी है और फिर आपको करेक्ट करके सेंटेंस लिखना है। जैसे पहला सेंटेंस है, वुड यू लाइक टू कम विथ अस टू सिनेमा, इसमें क्या गलत है। पहले तो आपको सॉल्व करना है, आप कॉपी में, नोटबुक में, जिसमें भी आप सॉल्व कर रहे हैं आप उसमें पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप चेक करेंगे कि आपका सही है या नहीं है। चेक कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे हिंट दिया गया है, 1, 5 यानी टॉपिक नंबर 1 का 5वां सेंटेंस है ये। तो टॉपिक नंबर 1 कहाँ है, 31 से 35 दिन में हमने कवर किए हैं, तो टॉपिक 1 है 31वें दिन में, ये वाला 31वें दिन में 5वां सेंटेंस है, वुड यू लाइक टू कम विथ अस टू सिनेमा। तो ये हो गया टॉपिक 1 का 5वां सेंटेंस, ये आपको 31वें 35वें दिन में मिलेगा, यानी 31 से 35 डे के बीच में आपको ये सारे सेंटेंसेस मिलेंगे और आपको टॉपिक और सेंटेंस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें क्या गलत है, वुड यू लाइक टू कम विद अस टू द सिनेमा, यहाँ पे द सिनेमा होगा, टू सिनेमा नहीं होगा, तो ये आप करेक्ट कर लेंगे। वैसे ही नेक्स्ट सेंटेंस है, लेट अस गो थ्रू बस, अब लेट अस गो थ्रू बस तो यहाँ पे थ्रू नहीं होगा, बाय बस होगा, ये आप करेक्शन करेंगे। तो ऐसे ही आप पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप चेक कैसे करेंगे, अब यहाँ पे क्या दिया गया है, 1, 8 यानी टॉपिक 1 का ये 8वां सेंटेंस है, तो 31वें दिन पे ही हम चले गए। टॉपिक 1 में 8वां सेंटेंस क्या है, ये है लेट्स गो बाय बस, तो यही वाला हमें यहाँ पे सेंटेंस पूछा गया है, लेट अस गो थ्रू बस की जगह बाय बस हो जाएगा, तो करेक्शन क्या हो गया, थ्रू की जगह बाय। तो ऐसे ही आप बाकी सारे सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे, जैसे ये हैव अ नाइस जर्नी, तो इस तरीके से आप बाकी के सेंटेंसेस सॉल्व कर लेंगे और फिर आप खुद से इसको चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है टेस्ट नंबर 2। ये जो टेस्ट नंबर 2 है ये 36 से 39 दिन के बीच में है, यानी हमने 36 डे, 37th डे, 38th डे और 39th डे में जो भी हमने पढ़ा है, ये सारे जो सेंटेंसेस है वो उन्हीं टॉपिक्स में से दिए गए हैं। तो अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो पहले आप वो वाला वीडियोस देख लें, वो वाले सेंटेंसेस पढ़ लें, एक बार रिवाइज कर लें, उसके बाद आप यहाँ के सॉल्व करेंगे, जिससे आपको इजीली सारे सेंटेंसेस सॉल्व हो जाएंगे। नीचे जो वाक्य दिए गए हैं आप इन्हें पिछले दिनों में थोड़े थोड़े परिवर्तनों के साथ देखा है, अब आप इन्हें ध्यान से पढ़िए और जहाँ कहीं गलती हो उसे सुधार कर कारण ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ही है, ये भी टॉपिक नंबर और सेंटेंस नंबर दिया गया आपको। तो पहला है, डोंट राइट इन पेंसिल, प्लीज राइट विथ पेन। तो यहाँ पे आप जब ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि गलती क्या है। डोंट राइट इन पेंसिल, इन पेंसिल नहीं होगा, डोंट राइट विथ पेंसिल होगा, हम पेंसिल के अंदर नहीं लिखते हैं, हम पेंसिल से लिखते हैं, तो डोंट राइट इन पेंसिल नहीं, डोंट राइट विथ पेंसिल होगा। तो ये हो गया आपका करेक्शन। फिर जैसे नेक्स्ट है, च्यू योर फूड गुड, तो यहाँ पे च्यू योर फूड गुड नहीं होगा, च्यू योर फूड वेल होगा, तो गुड की जगह यहाँ पे करेक्शन क्या होगा, गुड की जगह हमें यहाँ पे लिखना है WELL वेल, तो ये हो गया करेक्शन। अब आप इसको कैसे ढूंढेंगे, आप चले जाए 12 नंबर के टॉपिक पे, तो 12 नंबर का टॉपिक आपको मिल जाएगा 35th डे या 36th डे में, उसके बाद आप उसमें 77 नंबर का सेंटेंस ढूंढेंगे तो आपको यही सेंटेंस मिलेगा। इन केस अगर आपको 12 नंबर के टॉपिक में नहीं मिलता है तो आप नेक्स्ट टॉपिक पे ढूंढेंगे, यानी आप 13 नंबर के टॉपिक में ढूंढेंगे, तो उसमें आपको जरूर ही 77th नंबर का सेंटेंस मिल जाएगा और फिर उससे आप अपना रीचेक कर सकते हैं। तो ये बाकी के सेंटेंसेस आपको इसी तरह सॉल्व करने हैं। अब है टेस्ट नंबर 3।
इसमें भी आपको अशुद्धियाँ दी गई हैं, यानी सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है और आपको करेक्ट करने हैं। जैसे बी केयरफुल नॉट टू लूज योर मनी, तो नॉट टू लूज योर मनी में लूज गलत है, या इस लूज का मतलब होता है ढीला, और लूज जो हम यहाँ पे बात करें जिस लूज करने की यानी खोने की, उसका स्पेलिंग होता है LOSE, तो यहाँ पे ये करेक्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हैज़ द क्लर्क वेटेड द लेटर, तो वेटेड नहीं होता यहाँ पे, वेट होता है, वेट जो है वो वर्ब होता है, तो करेक्शन हो जाएगा वेट। तो नीचे आपको आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, आप आंसर को यहाँ पे पहले कवर कर लेंगे, उसके बाद आप सेंटेंसेस को करेक्ट करेंगे, और जब आप सारा सॉल्व कर लें उसके बाद ही आप आंसर चेक करेंगे। फिर है टेस्ट नंबर 4, इसमें निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान के आगे कोष्ठक में दिए गए शब्द हैं, उनमें उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी ब्लैंक स्पेस दिया गया है, और आपको सही वर्ड जो है वो इस ब्रैकेट में से चुनना है। दो ऑप्शन है, जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो आपको लिखना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो जैसे शैल या विल यू प्लीज हेल्प मी आउट ऑफ दिस डिफिकल्टी, तो जब हम ऐसे सेंटेंस लिखते हैं क्वेश्चन में तो हम यहाँ पे विल लिखते हैं, यानी विल यू प्लीज हेल्प मी आउट दिस डिफिकल्टी। तो इसी तरीके से आपको बाकी के सेंटेंसेस सॉल्व करने हैं, आंसर कवर करके पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप रीचेक करेंगे। नेक्स्ट है टेस्ट नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब यहाँ पे आपको सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में दिए गए हैं, जिसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। ये आपके लिए बहुत आसान है, मेरे हिसाब से आप जरूर ही कर लेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है नो आई डोंट टेक टी, नहीं मैं चाय नहीं पीता, या नहीं मैं चाय नहीं लेता, तो ये इसका अनुवाद हो गया। तो वैसे ही बाकी के सेंटेंसेस को आप हिंदी में अनुवाद कर लेंगे, और इतना प्रैक्टिस करने के बाद यानी 40th डे पे पहुंचने के बाद आई होप कि आपसे ये सारे सेंटेंसेस इजीली हिंदी में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट नंबर 6, प्रश्न 5 के नकारात्मक वाक्यों को सकारात्मक वाक्यों में, सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्यों में नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार बदलिए। तो टेस्ट नंबर 5 यानी इसमें आपको जो सकारात्मक यानी पॉजिटिव सेंटेंस है उसको आपको निगेटिव यानी नकारात्मक में बदलना है, और निगेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस में बदलना है। जैसे आपको यह सेंटेंस दिया गया है, अगर ही डिडंट प्ले क्रिकेट, तो आपको इसको पॉजिटिव में बदलना है, यानी ही डिड नॉट में से नॉट हटा देना है, तो ही प्लेड क्रिकेट हो जाएगा। और अगर आपको कोई सकारात्मक वाक्य दिया गया जैसे शी सिंग्स वेरी वेल, तो इसको आपको नकारात्मक में बनाना है, यानी आपको इसमें नो या नॉट ऐड करना है, तो शी सिंग्स वेरी वेल का नकारात्मक हो जाएगा, शी डज नॉट सिंग वेरी वेल। तो ऐसे आपको ये सारे सेंटेंसेस के साथ करना है। नेक्स्ट है टेस्ट नंबर 7, इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण नागरी लिपि में लिखिए। जैसे वुड का वुड, तो आपको हिंदी में इसके उच्चारण लिखना है। तो ये जो भी सारे हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं सेंटेंसेस और ये वर्ड्स, तो आपको आई होप कि आपको इजीली ये सारे सॉल्व हो जाएंगे। और ये सारे वैसे वर्ड हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे इनवाइट यानी किसी को इनविटेशन देना, तो ये हो जाएगा इनवाइट, ये होगा इनविटेशन, ये होगा प्लेजर, ये होगा जर्नी, हार्टी, रूमर, सक्सेस, लिटिल, स्टमक, क्वारल, मिनट्स, 40, 14, रिसीव, ऑनेस्ट। तो ये सारे आपको हिंदी में आप कैसे उच्चारण करोगे वैसे आपको लिखना है। फिर टेक्स्ट नंबर 8, नीचे कुछ क्रियाएं दी गई हैं, इनके अर्थ लिखिए। तो क्रिया यानी कि आपको वर्ब दिया गया है उसका आपको अर्थ बताना है। जैसे टू फेच, टू फेच का क्या मतलब होता है, कुछ लाना, टू एंजॉय यानी मस्ती करना, मजे करना, टू मीट मिलना। तो ये सारे वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना है, यानी हिंदी में इनके क्या क्या अर्थ होते हैं ये आपको बताना है। इन दोनों में क्या अंतर है लिखिए, बिलीव और बिलीव, चेक और चेक। तो बिलीव और बिलीव, चेक और चेक, जैसे चेक होता है जांच करना, और चेक होता है जो चेकबुक होती है जिसको हम चेक काट के देते हैं वो होता है CHEQUE, चेक। तो ये होता है सारे वर्ड्स में डिफरेंस। तो ये आप पहले खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो, और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो फिर आप बुक से या आगे की जो हमने सेशन में कवर किए हैं उससे आप हेल्प लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट नंबर 9, अंग्रेजी क्रिया गो के बाद विभिन्न प्रपोजिशंस लगाने से विभिन्न अर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार के मुहावरेदार प्रयोग, प्रत्येक भाषा की अपनी विशेषता होती है। हम गो में कुछ बहुप्रचलित मुहावरेदार प्रयोग नीचे दे रहे हैं, इनको याद करें और अभ्यास के लिए वाक्यों में प्रयोग करें। तो हमने यहाँ पे गो के साथ बहुत सारे प्रपोजिशंस लगाए हैं और उसको लगा करके हमें एक नया मुहावरा मिल गया, यानी जब हम गो के साथ यानी वर्ब के साथ हम प्रपोजिशंस लगाते हैं तो हमें नए नए मुहावरे मिलते हैं जिसका मीनिंग अलग होता है। तो जैसे गो के साथ अगर हमने ऑन लगाया तो इसका मतलब हो गया जारी रखना, गो के साथ हमने गो इन फॉर लगाया तो उसका मतलब हो गया किसी काम में जुटना, गो के साथ इनटू लगाया तो उसका मतलब हो गया छानबीन करना।
तो ऐसे ही जब हम गो के साथ बाकी के प्रपोजिशंस लगाएंगे तो उसके हमें अलग अलग मीनिंग मिलेंगे। तो आप इसे याद करें और ऐसे वर्ड्स का आप प्रैक्टिस भी साथ में करें। तो ये आज का जो प्रैक्टिस सेशन है वो यहाँ पे खत्म होता है, और आई होप कि आप सारे टेस्ट को ऑनेस्टली सॉल्व करेंगे और आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस और जो भी प्रैक्टिस सेशंस इसमें दिए गए हैं वो सारे हमने 31st से लेके 39 डे के बीच में सब हमने कवर कर लिया है, तो आपसे इजीली ये सॉल्व हो जाना चाहिए। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।